ऐसे बेहतरीन और धमाकेदार बॉलीवुड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी हब को और बेल आइकन को दबाएं। पापा, ये रहे उस होटल के पेपर्स। ये उस आदमी का होटल है जिसने आपको अपने बुरे वक्त में बहुत जलील किया। तो ये बुरा वक्त याद है और आपकी बात भी याद है। जख्म देने वाले को कभी माफ ना करो और अपनी बेइज्जती कभी ना भूलो। लव यू पापा। स्टैचू। अरे वाह, पिता और बेटे का क्या हसीन संगम चल रहा है। और अगर इस सपूत को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बस जिंदगी आराम से सफल हो जाए। ओके। ऑफ ऑफ। बस क्या पिताजी, अकेले अकेले गले मिल रहे हो, मेरा क्या होगा। अरे बेटा, किसी एक को गले लगाने के बाद मेरा जीव भरा है। कभी जब तक तुम दोनों को मैं गले न लगा लूं, अंजलि जी का चेहरा न देख लूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हो गया। भगवान मेरे दोनों बेटों की प्यार और उनकी एकता को बरकरार रखे। अंजलि को आज पहला निवाला मैं खिलाऊंगा। नहीं, कल तेरा चांस था, आज मेरी बारी। और मैं कहां जाऊंगा, मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहा, अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, अंजलि आज मेरे हाथ से खाएगी। अंजलि, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान ले। मैं तुम सबका बाप हूँ, मेरी बारी है। कमाल। अरे छोड़ अरे मेरे हाथ से खाएगी। मेरे ओ स्टैचू। तो पहले कौन डैडी। तुम ये शादी किसी खौफ से या किसी दबाव में आके कर रही हो? मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। उसने बताया कि हमारा कारोबार, हमारा पेशा क्या है? जी। ये भी बताया कि हम हर पल हर घड़ी मौत के साथ आंख बिचोली खेलते हैं? जी बताया था। और इसके बावजूद तुम उससे शादी करना चाहती हो, क्यों? अंकल, मैं जब बहुत छोटी थी तभी अपने माँ बाप को खो दिया था। आज इस घर में आकर ऐसा लगा जैसे मैंने अपने घर वालों को खोया ही नहीं था और खोना भी नहीं चाहती हूं। चाहे मुझे इस घर में मिलने वाली मोहब्बत मौत के साए में ही क्यों ना मिले, मुझे मंजूर है। अपने बेटे की पसंद पर नाज है। मैं दुनिया की कोई भी लड़की अपने घर में बहू बनाकर लाता तो भगवान की कसम वो तुमसे अच्छी नहीं हो सकती थी। तो ये मेरी बहू बनेगी बेटी।
अंजलि को बहुत चाहता है ना? हाँ रवि, अंजलि को मैं बहुत चाहता हूँ। लगता है तो उसके बाप को जानता नहीं है। जिस दिन उसे पता लगेगा ना कि उसकी बेटी का अफेयर तेरे साथ चल रहा है, वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा आकर तुझे गोली मार देगा। लेकिन अंजलि कहती है उसके पापा बहुत अच्छे इंसान। मैं ठीक हूँ पापा। कंती, डायमंड खरीदने वाले हर व्यापारी से कह दो कि वो जिस किसी से डायमंड खरीदे मुझे खबर कर दे, क्योंकि राज पर हमला करके डायमंड लूटने वाला डायमंड अपने पास नहीं रख सकता। पिंगालिया साहब, डायमंड से ज्यादा जरूरी हमारा वो दुश्मन है जिसने राज की जान लेने की कोशिश की। तुम क्या समझते हो मुझे डायमंड की फिक्र है? मेरी असली जायदाद मेरे ये सबूत हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन बच्चों पर निछावर करके फेंक सकता हूं। डायमंड तो दुश्मन तक पहुंचने का एक जरिया है। मैं उस कमीने की सूरत देखना चाहता हूं जिसने मेरे बच्चे को मेरे सीने से छीनने की कोशिश की है। तुम्हारी मकारी से साफ जाहिर है कि डायमंड्स लूट कर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हाँ मैं हूं। क्या कर लोगे तुम? हाँ अच्छा अरे क्या हो रहा है बाबा? क्या ये बाबा? ये कहां से मिली? दीदी का डायरी में भी ऊपर। अंजलि कौन है लड़का? अंजलि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? वो डैडी मैंने सोचा कि शायद मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। बेटी तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और मैं खुश हूं कि तूने गरीब खुददार और अनाथ लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। यह काम करके तूने मेरी बेटी होने का हक अदा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अभी जाके उस लड़के से मिलता हूं। अभी लगता है उसके बाप को तुम्हारे अंजलि के बारे में सब पता चल गया है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हरीश। ये तो मर गया। लोग अपनी इज्जत नहीं करते, डरते हैं आपसे। लोगों के दिलों में दहशत फैला रखी आपने, और इसी दहशत की वजह से मेरा हरीश आज मेरे पास नहीं है। डैडी आप इंसान नहीं है, इंसान होने का ढोंग रचते हैं। ढोंगी है आप, दरिंदे हैं। मैं नफरत करती हूँ आपसे डैडी, मैं नफरत करती हूँ। कभी माफ नहीं करूंगी आपको डैडी, कभी माफ नहीं करूंगी। आओ तुम्हें अपने दामाद से मिला दूं। नहीं आओ। जीत रहे बेटा जीत रहे। सिंघानिया का बड़ा बेटा राज, जो कल तक सांड बना घूमता था, सिर्फ कल तक, मगर आज बिन गाय के मासूम बछड़े की तरह चुपचाप जाकर कोने में बैठ गया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुझे पुलिस की वर्दी पहननी होगी। पुलिस की वर्दी? वर्दी? तेजस्वर शमशेर और कांति ने इस लड़ाई के लिए पुलिस का सहारा ले रखा है। चर्म को चर्म कैसे मारता है वो मैं जानता हूं।
कानून जुर्म को कैसे मारेगा वो तुझे सीखना है। दुश्मनी के इस जंगल में हमारा शिकार एक होगा, लेकिन हमारे निशान दो होंगे। मुझे वर्दी में देखकर तुम्हारे होश तो उड़ गए होंगे। आगे आगे देखो होता है क्या, क्या होटल की ओपनिंग किसी मिनिस्टर ने की है? क्लोजिंग मैं करूंगा। बिच्छू का मंत्र नहीं सीखा तूने और सांप की बिल में हाथ डाल दिया। अपने बाप की अर्थी को कांदा दिया मैंने और अपने आंसू को पी गया हूं। वो आंसू आज मेरे शरीर के अंदर जहर बनकर दौड़ रहा है। बिच्छू से ज्यादा खतरनाक हूं मैं और सांप से ज्यादा जहरीला। अरे कुछ नहीं यार, अपने किसी आदमी ने यह काम किया होगा। माल पुलिस के आदमी नहीं पड़े इसलिए यहां लाके छोड़ा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद सबको बोल के रखा है कि इस होटल में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, कोई गैर कानूनी माल नहीं रखा जाएगा। फिर ये सब कहां से आया? सही बात है। चाचू कुछ गड़बड़ लगती है। ये देखिए सर, गन्स है सर। सील कर दो इस होटल को। Well, पहली पहली कामयाबी मुबारक हो। उन्हीं के हथियार चोरी करके उन्हीं के होटल में रख देना, हमारा ये प्लान कामयाब रहा। प्रेम, तुमने उनके होटल पर नहीं उनके हौसले पर ताला मारा है, लेकिन आज के बाद वो हमारी तरफ से बहुत ही चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए अगला कदम बहुत ही होशियारी से उठाना। फिक्र मत करो भैया, हमारी अगली चाल के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। बंद करो ये बचपना। एक तरफ राज सिंघानिया मेरे सर के ऊपर मौत का तांडव कर रहा है और दूसरी तरफ प्रेम सिंघानिया जो अपनी हर बाजी को मारकर मुझे मात देने में कामयाब होता चला जा रहा है। हमारी ताकत हमारे इस एम्पायर को दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं वो लोग, और तुम लोग यहां बच्चों की तरह इन खिलौनों के साथ खेल रहे हो। अगर खेल नहीं है तो दुश्मन के खून की होली खेलो। वही खेल तो खेलना है चाचू, ये प्रेम की मौत है। देखते जाओ इस खिलौने का खेल ये प्रेम के खेल को किस तरह खत्म करता है। इस रोबोट में एक ऐसा टाइम बम फिट होगा जो इसके चलने के एक मिनट बाद धमाके के साथ फट जाएगा। आहा, इसी दरमियान किसी ने इसे छूने की कोशिश की या कोई चीज इसे टकराए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। Hey! सर, ये सरासर इल्जाम है कि मैं अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूं। तो तुम ये साबित करके बताओ, सबूत दो इस बात का कि तुम्हारा और राज सिंघानिया का रास्ते अलग अलग है। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कल सिंघानिया ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक माल लेकर आ रहा है और मैं चाहता हूं कि यह ट्रक तुम पकड़कर पुलिस के हवाले करो, और अगर यह डील कैंसिल हुई तो याद रखना मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुमने इस डीलिंग के लिए अपने भाई को मना कर दिया। सर, अगर ऐसी बात है तो माल पकड़ने में खुद जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि इस मिशन में इंस्पेक्टर पवार मेरे साथ रहे। प्रेम, राज है, तेजस्वर और शमशेर का बटरफ्लाई क्लब, जहां ब्राउन शुगर के साथ साथ लड़कियों का नंगा नाच और बेबस लड़कियों का सौदा होता है। चारों तरफ से घेर लो सालों को, कोई भागने ना पाए। सुनो, उस दिन तुम शराफत का ढोंग कर रही थी या फिर किसी एक का होना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है। बेगैरत, तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ अपना जिस्म दिखाती हैं। आगे मैं बोल दूं? एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने अचानक वर्दी क्या पहन ली, शराफत और गैरत का लेक्चर देने लगा। तुमने गरीब देखे होंगे, गरीबी नहीं, गरीबी क्या होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे साथ और देखो मजबूरी गैरत से कितनी बड़ी होती है। कभी पैसे वालों पर गोली चलाई है, कलाई पकड़ी है किसी अमीर की, है इतनी हिम्मत? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। तुम और तुम्हारा कानून हम जैसे गरीबों के विनाश के लिए बना है। ले चलो मुझे और बंद कर दो हवालात में, मर जाने दो इन बच्चों को भूख से। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें और तुम्हारे सिंघानिया खानदान को? आज के बाद इस छत के नीचे ना कोई जुर्म होगा ना मैं किसी जुर्म में तुम्हारा साथ दूंगा।
कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा हूं मिस्टर राज सिंघानिया। माना कि वर्दी पहनने के लिए मेरी नीयत गलत थी, मेरे विचार गलत थे, मेरी सोच गलत थी। माना कि वर्दी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। अपने रास्ते बदल दो मिस्टर राज सिंघानिया। क्यों? तेरी तरह मुजरिम हूं मैं? भूल जाओ अपने बाप की हत्या, माफ कर दो उनके हत्यारों को। अरे होश में आ प्रेम सिंघानिया। प्रेम? प्रेम हमारा मकसद कुछ और था, इस वर्दी की वजह कुछ और थी। पूछ अपने दिल से, तो कहां तक सही है? पूछ उस दिल से जिसमें आज तक तो अपने बाप की मौत का गम महसूस कर रहा है। ये उसी दिल की आवाज है। अगर तेजस्वर खूनी और स्मगलर है तो हमारा बाप कौन था? जब तक मैं हूं, मेरे भाई बहन को न किसी की कोई मदद चाहिए, ना किसी का कोई एहसान। मैं जानता हूं मैं एक खुददार स्कूल मास्टर के घर खड़ा हूं, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है। तो फिर और क्या है? हमारी मदद करके तुम अपने दिल, अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो? मैं अपने दिल के बोझ को हल्का करने नहीं, तुम्हारे बोझ को बांटने आया हूं। जरा सोचो पूजा, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इन बच्चों को तुम दो वक्त की रोटी तो खिला सकती हो, मगर समाज में इज्जत नहीं दिलाती। ये समाज इन बच्चों को मास्टर विद्यासागर की औलाद का दर्जा नहीं देगा। मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालना चाहता हूं पूजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्रेम सिंघानिया अपनी सुहागरात कहां मना रहा है? जहां जाकर बड़ी आसानी से आप उसे खत्म कर सकते हैं। कांते, ज्यादा फुटेज मत खा, जल्दी बता के प्रेम सिंघानिया कहां मिलेगा। पचास लाख। अब बताओ कांति, मेरा दिमाग मत खराब करो। तेजेश्वर, इसे रुपए दे दो, यह हमें प्रेम का पता देगा और मैं तुम्हें दूंगा प्रेम सिंघानिया की लाश। कि हमारे धंधे में जिंदगी बहुत ही सस्ती होती है, उसके बाद भी मरने का इतना शौक मैं पहली बार देख रहा। तेरी इन भूरी आंखों में अक्सर मैंने मक्कारी देखी, फिर भी बेवकूफी की जॉब तक तुझे जिंदा रखा। अरे छोड़ो शमशेर, सिंघानिया साहब को मारकर उनकी लूटी हुई दौलत में से तुमने इस केएलडी को क्या दे दिया था जो तुमसे वफादारी करता? राज साहब, इस हरामजादे ने हमारे सिंघानिया साहब की पीठ पर गोली चलाई थी। अगर मैंने गोली चलाई थी सुअर के बच्चे, तो तूने क्या किया था? अरे भाई, इस केएलडी ने तुझे राज साहब के हवाले कर अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए, है ना साहब? साला। पहले हमारा होटल बंद करवा दिया, फिर हमारा धंधा बंद करवा दिया। दुश्मनों ने हमारे धंधों पर कब्जा कर दिया,
उसके बाद उन्होंने हमारा क्लब बंद करवा दिया। और अब शमशेर और कांति लाल का खून। चाचो, हम अपनी बर्बादियों की गिनती ना भूल जाए। माना के सिंगारे हमारा दुश्मन था, लेकिन आदमी वो बहुत अच्छा था। क्या बकवास कर रहा तू? अगर तू मेरा भतीजा ना होता तो मैं तेरा जबड़ा तोड़ देता। गुस्सा इंसान की अक्ल को गर्द की तरह पी जाता है। सिंगानिया अच्छा आदमी इसलिए था कि दोनों बेटों के साथ साथ अपनी एक खूबसूरत सी बेटी को भी दुनिया में छोड़ गया। सिंगाले की बेटी रानी मक्खी है, रानी मक्खी। रानी मक्खी जहां जहां जाएगी दोनों भाई मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए वहां पहुंच जाएंगे। मिस्टर राज, मैं तुम्हें शमशेर सिंह और कांतिलाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। बाद में आना। मिस्टर राज, तुम यहां से नहीं जा सकते। भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दे प्रेम। भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रेम, मैं कहता हूं छोड़ दे। भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उधर तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और इधर तुम दोनों लड़ रहे हो। क्या हुआ अंजलि को? किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और राज भैया उन्हें छुड़ाने जा रहे थे। अरे, जिस बहन के पास दो जियाले भाई हो वह कानून का क्या काम? अपने भाई को गिरफ्तार करने का शौक बाद में पूरा कर लेना, पहले अपनी बहन को बचाओ। जाओ, you
हैंड्स अप। खबरदार, चालाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। हे प्रेम, जिस दुनिया में मैं जी रहा था उस दुनिया ने सिर्फ मुझसे छीना है। नहीं, दिया कुछ नहीं भाई। नहीं, मैं तेरी दुनिया में जीना चाहता हूं भाई। मैं प्रेम की दुनिया में जीना चाहता हूं। मैं प्रेम की दुनिया में जीना चाहता हूं भाई।